everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. Ritu Dharma. Welcome you all. Happy 2023 to my homeopathy family. Happy new year to all of you. I really hope that this year brings a lot of happiness, a lot of prosperity and health to your family. आज क्योंकि हैप्पी न्यू ईयर है और काफी दिन से बिकॉज ऑफ माई पर्सनल रीजन मैं कोई भी वीडियो नहीं डाल पाई थी. इट्स मोर देन लाइक 8-9 डेज और आज इसीलिए मैं हैप्पी न्यू ईयर भी है तो इट शुड बी हैप्पी फॉर माय फैमिली आल्सो ताकि वो बहुत बहुत कुछ नया सीखे. आज की वीडियो है ऑर्गनॉन ऑफ मेडिसिन की और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरे 5 अफॉरिज्म्स के बारे में एक साथ. And I'm so happy कि इतने दिन बाद कोई भी वीडियो नहीं डाल पाई और अब जब मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ तो आप सबके लिए एक ये मेरा आप सभी को विश करने का तरीका है. ये मेरा आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा थैंक यू है. आई होप कि हमारा ये चैनल भी इस साल बहुत बहुत प्रोग्रेस करे और वो होगा आप सभी की मदद से. अगर आपको वीडियोज अच्छी लगती है और आप इन्हें शेयर करेंगे तो हमारी होम्योपैथी फैमिली और भी बड़ी होती जाएगी एंड वी विल गेट लॉट ऑफ सक्सेस. होम्योपैथी के बारे में बहुत सारे लोग जानेंगे जैसे कि आप और हम हमेशा से कामना करते हैं. सो विदाउट फर्दर अडू वील बिगिन विद दिस वीडियो. लास्ट वीडियो में हमने फॉगजम नंबर 138 के बारे में बात की थी और आज हम बात करेंगे फॉगजम नंबर 139 से आगे पूरे 5 फॉगजम्स. 5 डिफरेंट कॉन्सेप्ट, 5 बिल्कुल नई बातें इन 5 फॉगजम में हम सीखेंगे. अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज आई ऑलवेज सी and press the bell icon for further notifications so that you get notified every time I post a new video for all of you. So let's get started. The first aphorism is 139. ये उन लोगों के लिए aphorism है. इसमें हम पढ़ेंगे basically concept कि prover जो होगा, drug proving की series चल रही है as you all know, जो prover होगा अगर पढ़ा लिखा है तो किस तरह से जो है case taking होगी या किस तरह से drug proving होगी. तो लिटरेट प्रूवर के बारे में अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है या आपका कोई शॉर्ट नोट आता है, लॉन्ग नोट आता है तो इसमें आप रेफरेंस देंगे फॉगजम नंबर 139 की. सो व्हेन द फिजिशियन डज नॉट मेक द ट्रायल ऑफ द मेडिसिन ऑफ हिमसेल्फ बट गिव इट टू अनदर पर्सन. अगर फिजिशियन ड्रग प्रूविंग कर रहे हैं वो और अपने ऊपर ये एक्सपेरिमेंट या ट्रायल नहीं कर रहे हैं, किसी और को देते हैं, तो जो वो दूसरा व्यक्ति है द लैटर मस्ट नोट डाउन डिस्टिंक्टली द सेंसेशन सफरिंग एक्सीडेंट एंड चेंजेस ऑफ हेल्थ. तो जो व्यक्ति है जिन पर ये ड्रग प्रूविंग हो रही है उनको बहुत अच्छे से बारीकी से एक एक चीज, एक सेंसेशन, एक छोटी सी सेंसेशन भी अपने स्वास्थ्य में कोई भी चेंजेस, कोई एक्सीडेंट्स, कोई भी चीज होती है, कोई सफरिंग आ रही है वो सब बहुत बारीकी से नोट डाउन करनी है. ही एक्सपीरियंसेस एट द टाइम ऑफ देयर अकरेंस, जो कि वो जब भी ये सिम्टम आते हैं, जब भी वो सेंसेशन आती है उस समय वो बिल्कुल बारीकी से उसे नोट डाउन करें और उसको एक्सपीरियंस को वो लिखें. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट इट डाउन. हर एक चीज जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो वो हर एक चीज को नोट करेगा. मेंशनिंग द टाइम आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ द ड्रग व्हेन ईच सिम्टम अरोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको अगर मेडिसिन जो दी है मॉर्निंग में दी है तो कब आपको, कितने दिन बाद आपको कोई सिम्टम आ रहा है, क्या टाइम है, आफ्टरनून है, इवनिंग है, दैट इज व्हाई हम देखते हैं ना कि केंट रिपर्टरी में या किसी भी रिपर्टरी में हमारी मेडिसिन में टाइम मोडालिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. और जहां हमें एक पर्टिकुलर टाइम मिल जाता है वहां पर तो मेडिसिन को काम करना ही है. फॉर एन एग्जाम्पल, आर्सेनिक में मिडडे मिडनाइट एग्रवेशन होता है, लाइकोपोडियम में शाम के 4 से 8 बजे का एग्रवेशन होता है. तो ये टाइम मोडालिटीज हमें कैसे मिलती है, जब इस तरह से प्रूवर एक एक बारीकी से हर चीज लिखते हैं. तो किस टाइम पर, जब आपने इंजेक्शन किया था ड्रग को, उसके कितनी देर बाद वो सिम्टम अराइज हुआ एंड इफ इट लास्ट लॉन्ग, क्या वो लंबे समय तक चला, कब तक चला, द पीरियड ऑफ इट्स ड्यूरेशन, कितने घंटों तक वो सिम्टम, वो सेंसेशन, वो सफरिंग आपके अंदर रहा. द फिजिशियन लुक्स ओवर द रिपोर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सपेरिमेंटर इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपेरिमेंट इज कंक्लूडेड. अब जो फिजिशियन है उसको तुरंत के तुरंत उसकी पूरी रिपोर्ट को, एक्सपेरिमेंटर की, उस व्यक्ति की पूरी रिपोर्ट को देखते हैं इमीडिएटली जब वो एक्सपेरिमेंट कंक्लूड होता है, फिनिश होता है. और इफ द ट्रायल लास्ट सेवरल डेज ही डज दिस एवरी डे. अगर ये ट्रायल जो है काफी दिनों तक चलता है, लेकिन ट्रायल लंबे दिनों तक चल रहा है, कोई क्रॉनिक मेडिसिन दी जा रही है और वो चाहते हैं ये लंबे दिनों तक रहे, तो जब क्रॉनिक रिपोर्टिंग होगी तो रोज रोज एक्सपेरिमेंटर उनका डेली डेटा जो है, फिजिशियन जो है वो पढ़ेंगे. तो फिजिशियन उनका एक्सपेरिमेंटर का डेली डेटा देखते हैं इन ऑर्डर विल्स्ट एवरीथिंग इज स्टिल फ्रेश इन हिज मेमोरी. ये क्यों किया जाता है,
क्योंकि जब भी आप देखेंगे हमारे पास कोई भी पेशेंट भी आते हैं ना, तो अक्यूट केसेस में हमारे पास बहुत अच्छी हमें मोडालिटी सेंसेशन सब मिल जाती है, क्योंकि उसी समय पेशेंट वो सब फील कर रहा होता है, उसके दिमाग में उसकी मेमोरी में हर चीज बहुत फ्रेश होती है। जैसे जैसे पुरानी बीमारी होती जाती है, तो बीमारी पुराने होने में ना आपको टाइम स्पेसिफिक मिल पाता है, ना कोई सेंसेशन स्पेसिफिक मिल पाती है। कई बार तो पेशेंट अपने ओरिजिनल सिम्टम्स के अलावा बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स भी भूल जाते हैं बताना, क्योंकि वो चीजें बहुत पुरानी हो जाती हैं और उनके साथ उन्हें जीने की एक तरह से आदत सी हो जाती है। यहाँ पर भी वही बात है कि रोज रोज फिजिशियन जो है उस एक्सपेरिमेंटर का डेटा इसलिए देखते हैं ताकि जो भी उस पर्टिकुलर डे में उनके साथ हुआ उनकी मेमोरी में, उनकी याददाश्त में बिल्कुल ताजा है। तो जब वो चीज ताजा है तो उसी समय अगर उन्हें कुछ लगेगा फिजिशियन को कि अच्छा ये कंप्लीट नहीं है सिम्टम, या ये सिम्टम आपको कितने बजे आया था, या ये सेंसेशन कैसी थी, किस पार्ट पर थी, तो उसी पर्टिकुलर दिन वो डेटा कंप्लीट किया जा सकता है। टू क्वेश्चन हिम अबाउट द एग्जैक्ट नेचर ऑफ एवरी वन ऑफ दीज सर्कमस्टेंसेस, वही बात है जैसे मैंने आपको बताया कि क्यों अब वो रोज मिलेंगे फिजिशियन एक्सपेरिमेंटर से, उनका डेटा चेक करेंगे ताकि उन्हें क्वेश्चन कर सके कि हर एक परिस्थिति जो पूरा दिन में आई उनका एग्जैक्ट नेचर कैसा था, एंड टू राइट डाउन द मोर प्रिसाइज डिटेल्स सो एलिसिट, बिल्कुल प्रिसाइज डिटेल्स भी साथ में लिख सके, और टू मेक सच ऑल्टरेशन एज द एक्सपेरिमेंटर मे सजेस्ट, और जो भी ऑल्टरेशन है, जो बदलाव है, एक्सपेरिमेंटर जो कहेगा उस हिसाब से उनके अंदर वो चेंजेस कर सके। इसका फुटनोट भी देख लेते हैं, He who make known to the medical world the result of such experiments, इस तरह के experiments के जो result हमारे सामने लेकर आते हैं वो सभी become thereby responsible, वो जिम्मेदार बनते हैं किस चीज के, for the trustworthiness of persons experimented on, किस चीज के जिम्मेदार बनते हैं, विश्वास के, क्योंकि ये जो symptoms note किए जाएंगे वो आगे तक उस medicine के साथ जुड़ जाएंगे, on and his statements and justly so, उसके सारे करवे statements भी ट्रस्टवर्दी हो जाते हैं। सो एज द व्हील ऑफ सफरिंग ह्यूमैनिटी इज हियर एट स्टेक, क्योंकि लोगों की जो स्वास्थ्य है वो वहां पर दाव पर लगा है। अगर यहाँ पर ही बेसिक गड़बड़ हो जाती है, जैसे जब हम पेशेंट के साथ डील करते हैं तो जहां केस टेकिंग में ही गड़बड़ हो जाती है तो आगे कुछ भी ठीक प्रोसीड नहीं कर सकते और कोई सक्सेस अचीव नहीं कर सकते। सिमिलरली ड्रग्स को प्रूव करते वक्त अगर उनके सिम्टम्स ही अच्छे से नोट नहीं किए जाएंगे तो ये बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, एंड दैट शुड नॉट हैपन। इसीलिए जो एक्सपेरिमेंटर्स हैं जिन पर ड्रग प्रूविंग होगी बहुत ही ध्यान से चुने जाते हैं, बहुत समझदारी से चुने जाते हैं और बहुत ट्रस्टवर्दी लोग चुने जाते हैं। सो ये हुआ अगर जो प्रूवर आपका पढ़ा लिखा है तो। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है अफॉरिज्म नंबर 140 कि अगर इलिटरेट प्रूवर है, अगर आपका प्रूवर जो है बहुत सेंसिटिव है, फिट है, लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं है, तो ऐसे लोगों में आप किस तरह से ड्रग प्रूविंग करेंगे, लेट्स सी। इफ द पर्सन कैन नॉट राइट द फिजिशियन मस्ट बी इन्फॉर्म्ड बाय हिम एवरी डे ऑफ व्हाट हैज अकर्ड टू हिम, अगर जो पर्सन है, व्यक्ति जो है वो पढ़े लिखे या लिखना नहीं जानते हैं तो वो फिजिशियन के पास रोज रोज आकर जो कुछ भी पूरा दिन में हुआ उन्हें बताते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अपना डेटा लेकर रोज आता है फिजिशियन से मिलता है। यहाँ पर वो अपनी मेमोरी में हर चीज लेकर आएंगे और फिजिशियन को सब कुछ बताएंगे, एंड हाउ इट टुक प्लेस कि किस तरह से वो चीजें हुई उनके साथ। व्हाट इज नोटेड डाउन एज ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ऑन दिस पॉइंट हाउएवर मस्ट बी चीफली द वॉलेंट्री नरेशन ऑफ द पर्सन हु मेक द एक्सपेरिमेंट, नथिंग कॉन्जेक्चरल एंड एज लिटिल एज पॉसिबल डिराइव फ्रॉम द आंसर टू द लीडिंग क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट इसका पढ़ते हैं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ऑथेंटिक होती है, बहुत पक्की और सच्ची होती है, तो इसलिए जब भी वो एक्सपेरिमेंटर जिन पर प्रूविंग की जा रही है वो आपके पास आते हैं, फिजिशियन के पास आते हैं, तो उन्हें ही वॉलंटरी खुद से बोलने देना चाहिए, बीच में आपको कुछ नहीं बोलना होता। पेशेंट जो है या जो एक्सपेरिमेंटर है कंप्लीट अपना नरेशन करेंगे, जिस भी फ्लो में बोलते जा रहे हैं लेट हिम टॉक फर्स्ट। उससे क्या है, कुछ भी, एक तो बिल्कुल भी बीच में टोकना नहीं है, अंटिल अनलेस वो ड्रैग हो रही हो कहीं और बातें, बिल्कुल बिल्कुल भी पेशेंट को टोकना नहीं है। ये बिल्कुल हमारा सेम एक्सपेरिमेंट है, जब हम पेशेंट को देखते हैं हम पहले उनका नरेशन सुनते हैं, सिमिलरली जब ड्रग प्रूविंग के लिए एक्सपेरिमेंटर फिजिशियन के पास आ रहा है, ड्रग प्रूविंग के लिए जब एक्सपेरिमेंटर
फिजिशियन के पास आ रहा है तो फिजिशियन की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बीच में कुछ भी ना बोले। उसके बाद क्या होता है, आप कोई भी मिलावट नहीं कर सकते और लीडिंग क्वेश्चंस कुछ भी नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि लीडिंग क्वेश्चंस पूछने से उसके आंसर्स बदल सकते हैं। नथिंग कंजेक्चुरल एंड एज लिटिल एज पॉसिबल डिराइव फ्रॉम आंसर्स टू द लीडिंग क्वेश्चंस शुड बी एडमिटेड। बिल्कुल कम से कम लीडिंग क्वेश्चंस जो है होने चाहिए। एवरीथिंग मस्ट बी असर्टेन विद द सेम कॉशन एज आई हैव काउंसल्ड अबव अफोरिज्म 84-99। बिल्कुल वैसे ही सब कुछ होना चाहिए जैसे केस टेकिंग में किया जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही काउंसलिंग होनी चाहिए। फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ फिनोमेना एंड फॉर ट्रेसिंग द पिक्चर ऑफ नेचुरल डिजीज, जैसे कि बिल्कुल आप एक पेशेंट का डिजीज डायग्नोसिस या प्रोविजनल डायग्नोसिस निकालने के लिए जो इन्वेस्टिगेट करते हैं, एक पिक्चर ट्रेस करते हैं नेचुरल फिनोमेना की, बिल्कुल उसी तरह से उसी एहतियात के साथ आपको यहाँ पर सारे सिम्टम्स नोट डाउन करने हैं जो कि एक्सपेरिमेंटर में आ रहे हैं। सो दिस इज लिटरेट प्रूवर एंड इलिटरेट प्रूवर। आज हम बात करते हैं नेक्स्ट अफोरिज्म विच इज 141, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिशियन इज द बेस्ट प्रूवर। दिस इज द टाइटल ऑफ दिस अफोरिज्म, क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि अगर ऐसा है कि कौन सा प्रूवर बेस्ट होता है, कौन सा प्रूवर के ऊपर एक्सपेरिमेंट होने पर कोई भी गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, इट इज फिजिशियन ओनली। तो फिजिशियन बेस्ट प्रूवर कैसे है ये जान लेते हैं अफोरिज्म नंबर 141 में। बट द बेस्ट प्रूविंग्स ऑफ द प्योर इफेक्ट्स ऑफ सिंपल मेडिसिन इन ऑल्टरिंग द ह्यूमन हेल्थ एंड ऑफ द आर्टिफिशियल डिजीज एंड द सिम्टम्स दे आर केपेबल ऑफ डेवलपिंग इन द हेल्दी इंडिविजुअल आर दोज विच द हेल्दी अनप्रिजुडाइज्ड एंड सेंसिटिव फिजिशियन इंस्टीट्यूट ऑन हिमसेल्फ। जितनी भी प्रूविंग्स हैं जो प्योर इफेक्ट्स आप सिंपल मेडिसिन की देखना चाह रहे हैं, ह्यूमन हेल्थ के अंदर बदलाव देखना चाह रहे हैं, आर्टिफिशियल डिजीजेस के सिम्टम्स देखना चाह रहे हैं, जो भी एक हेल्दी इंडिविजुअल में एक ड्रग सब्सटेंस बदलाव कर सकता है वो अगर आप देखना चाहते हैं तो किसमें दिखेंगे, एक हेल्दी, एक अनप्रिजुडाइज जो बिल्कुल बायस ना हो, न्यायप्रिय हो और सेंसिटिव फिजिशियन में, जबकि वो अपने ही ऊपर वो एक्सपेरिमेंट करे और अपने आप को ही वो मेडिसिन दे। विद ऑल द कॉशन एंड केयर हियर एंजॉइंड, सारे कॉशन होनी चाहिए, सारा केयर उनको ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि फिजिशियन इज टेकिंग हिमसेल्फ द ड्रग हिमसेल्फ तो वो कोई भी चीजों का ध्यान ना दे। हमने ड्रग प्रूविंग के जितने भी स्टेप्स पढ़े हैं कि ड्रग प्रूविंग में ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, वो सभी चीजें फिजिशियन को भी करनी होंगी। He knows with a great certainty the things he has experimented in his own person. अपने ही शरीर पर जो भी चीजें होंगी वो और भी peculiar और भी certain तरीके से sure होकर बता पाएंगे। So that is why physician is the best prover. यहाँ पर बात करते हैं इसके footnote की, which is very important. Those trials made by the physician on himself have for him other and inestimable advantages. जो भी trials physician अपने ऊपर करते हैं वो दूसरों के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उनकी भी बहुत ज्यादा एडवांटेजेस मिलती हैं और गलतियां होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, इसलिए भी इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। इन द फर्स्ट प्लेस द ग्रेट ट्रूथ दैट द मेडिसिनल वर्च्यू ऑफ ऑल ड्रग्स वेयर ऑन डिपेंड्स देयर क्यूरेटिव पावर लाइज इन द चेंजेस ऑफ हेल्थ। ये सबसे बड़ा सबसे पहली बात है कि जो ग्रेट ट्रूथ है, सबसे बड़ा सच है मेडिसिनल वर्च्यू में, मतलब जो ड्रग्स के अंदर जो मेडिसिनल वर्च्यू मेडिसिनल एस्पेक्ट है मेडिसिनल ताकत है, वेयर ऑन डिपेंड्स देयर क्यूरेटिव पावर, जिसके ऊपर पूरी निर्भर करती है कि वो किसी व्यक्ति में कैसे क्योर करेगा, उसकी क्योर करने की क्षमता उसकी उस मेडिसिनल वर्च्यू पर डिपेंड करती है, लाइज इन द चेंजेस ऑफ हेल्थ ही हैज हिमसेल्फ अंडरगॉन फ्रॉम द मेडिसिन ही हैज प्रूव्ड। वो किस पर डिपेंड करता है कि वो जो उसकी हेल्थ में जितने बदलाव होंगे जो कि उसने उस ड्रग को लेकर ड्रग प्रूविंग के दौरान महसूस किए हैं उस पर डिपेंड करते हैं। इन सिंपल वे अगर आप इन अ सिंपल वे एक ड्रग सब्सटेंस है, कोई भी एक सब्सटेंस जिसकी मेडिसिनल वैल्यू आपको कैसे पता चलेगी या उसकी क्योरेटिव वैल्यू कैसे पता चलेगी, जब एक व्यक्ति ने उसको अच्छे से अपने ऊपर प्रूव किया हो तभी उसके सिम्टम्स आएंगे, तभी आपको अच्छे से पता चलेगा ये कैसे कैसे लोगों में फॉर श्योर काम करेगी। सो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही है कि जिस तरह से एक्सपीरियंस करेंगे वो अनुभव करेंगे और जैसे उन चीजों को समझेंगे और लिखेंगे उसी तरह से आगे की जनरेशन पे जनरेशन सभी उसी फ्लो में काम करेंगे।
बिकम्स फॉर हिम एन इनकंट्रोवर्टिबल फैक्ट, ये सबसे बड़ा फैक्ट है, इस पर कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं हो सकती. अगेन बाय सच नोटवर्दी ऑब्जर्वेशन ऑन हिमसेल्फ ही विल बी ब्रॉट टू अंडरस्टैंड हिज ओन सेंसेशन. अगेन फिर से वही आती है बात की नोटवर्दी ऑब्जर्वेशन, अपने ऊपर जितने भी ऑब्जर्वेशन होंगे उन्हें उन सेंसेशंस को बहुत अच्छे से समझना है. हिज मोड ऑफ थिंकिंग एंड हिज डिस्पोजिशन, उनके सोचने का तरीका क्या है, उनकी सेंसिटिविटी क्या है, उनका डिस्पोजिशन क्या है. एंड ही विल ऑल्सो बी ट्रेन्ड टू बी वट एवरी फिजिशियन ऑट टू बी अ गुड ऑब्जर्वर, और उन्हें भी एक गुड ऑब्जर्वर रहना पड़ेगा, जो कि हर एक होम्योपैथिक फिजिशियन को बनने को पहले ही दिन कह दिया जाता है कि अगर आप एक होम्योपैथ बनना चाहते हैं तो आपकी ऑब्जर्वेशन की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, यू शुड बी अ गुड ऑब्जर्वर. तो यहाँ पर भी अपने सिम्टम्स को, अपने सेंसेशंस को ध्यान में रखने के लिए या अपने सेंसेशन को अच्छे से समझने के लिए यू शुड बी अ गुड ऑब्जर्वर. ऑल आर ऑब्जर्वेशंस ऑन अदर्स आर नॉट नियरली सो इंटरेस्टिंग एज दोज मेड ऑन आवरसेल्फ, जितने भी ऑब्जर्वेशन दूसरों पर उतने इंटरेस्टिंग नहीं होते जितने कि अगर हम खुद पर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो होते हैं. The observer of other must always dread lest the experimenter did not feel exactly what he said or lest he did not describe his sensation with the most appropriate expression. अब दूसरों पर एक्सपेरिमेंट करने के क्या क्या, what do I say? जब हम दूसरों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या क्या कमियां रह सकती हैं? कमियां क्या रह सकती हैं कि आप जो है आपको वो एक डर रहता है मन के अंदर एक्सपेरिमेंटर को लेके. दूसरी चीज वो जो सेंसेशंस बता रहे हैं कई बार आप उन सेंसेशंस को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, तो ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये कई बार अच्छे से नहीं पकड़ में आते हैं. ही मस्ट ऑलवेज रिमेन इन डाउट वेदर ही हैज नॉट बीन डिसीव्ड एट लीस्ट टू सम एक्सटेंट. कहीं ना कहीं एक मन में शक रहता है फिजिशियन के कि जिस दूसरे व्यक्ति पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है वो कहीं ना कहीं फेल ना हो जाए एक्सपेरिमेंट. दीज ऑब्स्टिकल टू द नॉलेज ऑफ ट्रूथ, ये जो ज्ञान की सच्ची नॉलेज है इसके बीच में आने वाले ये जो हिंड्रेंसेस हैं, ये उतार चढ़ाव है या ये जो अड़चने हैं विच कैन नेवर बी थोरली सरमाउंटेड इन आर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द आर्टिफिशियल मॉर्बिड सिम्टम दैट अकर इन अदर्स फ्रॉम द इंजेक्शन ऑफ मेडिसिन सीज एंटायरली व्हेन वी मेक द ट्रायल ऑन आवरसेल्फ. तो ये जो अड़चने हैं ये बिल्कुल खत्म हो जाती है जब वो ट्रायल हम पर होता है और हम वो आर्टिफिशियल डिजीज अपने अंदर महसूस करते हैं, ना कि दूसरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके. He who makes this trial on himself knows for certain what he has felt. जो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो फिजिशियन बहुत अच्छे से सर्टेनली जानेंगे कि मैंने क्या महसूस किया. मुझे ये जो सेंसेशन आई ये इलेक्ट्रिक शॉक जैसी सेंसेशन थी, या मुझे ये सेंसेशन जो आई वो एक वेवी सेंसेशन थी. तो ये बारीकी से वही व्यक्ति नोट कर सकता है. He thus become more and more practiced in the art of observing. और इससे एक और फायदा क्या है कि ऑब्जर्वेशन आपका और भी स्ट्रांग हो जाएगा, आप इस आर्ट में और निखर कर आएंगे. ऑफ सच इम्पोर्टेंस टू द फिजिशियन बाय कंटिन्यूइंग टू ऑब्जर्व हिमसेल्फ द वन ऑन हुम ही कैन मोस्ट रिलाई एंड हु विल नेवर डिसीव हिम. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. इससे क्या होता है, एक तो हमारा जो नॉलेज है बढ़ रहा है, हमारा आर्ट ऑब्जर्वेशन का बढ़ रहा है, हम एक बहुत अच्छे ऑब्जर्वर बनते हैं, और यही कॉन्टिन्यू करते करते अपने ऊपर हम उस व्यक्ति पर ही ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं जिस पर हम सबसे ज्यादा विश्वास कर सकते हैं, जिस पर विश्वास करने से हम फेल नहीं होंगे, ये वाला डर भी हमारे मन में नहीं होगा. एंड दिस ही विल डू द मोस्ट ज़ीलेसली एज दीज एक्सपेरिमेंट्स ऑन हिमसेल्फ प्रॉमिस टू गिव हिम अ रिलायबल नॉलेज ऑफ द ट्रू वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्योर. बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन ये आपके अंदर एक अलग सी उमंग लेकर आती है. अगर आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आप और ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, क्योंकि आप अपने आप से एक वादा करते हैं कि आपको एक बहुत रिलायबल और अच्छी नॉलेज चाहिए, एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्योर अपने हाथ में चाहिए. तो उस क्योर को अपने हाथ में पाने के लिए आप बहुत एक्साइटेड होते हैं. दैट आर स्टिल टू बी अ ग्रेट डिग्री अननोन टू आर आर्ट, जो कि अभी भी कहीं कहीं बहुत हमारी पैथी में बहुत ये कला जो है अभी भी बहुत लोगों में इस कला की कमी है. यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन डॉक्टर सैमुअल हैनमैन ऐड करते हैं. Let it not be imagined that such slight indispositions caused by taking medicines for the purpose of proving them can be in the main injuries of the to the health. बहुत important कि आप ये बिल्कुल भी imagine ना करें कि ये जो थोड़े बहुत बदलाव जो आ रहे हैं body के अंदर medicine लेने के बाद, जो कि proving के purpose के लिए आप medicine ले रहे हैं, वो आपके health में कोई injury करेंगे. Experiment shows on the contrary
that the organism to of the prover becomes by these frequent attacks on his health all the more expert in repelling all external influences. वेरी इंपॉर्टेंट. ये जबकि ये देखा गया एक्सपेरिमेंट्स ने ऑन द कॉन्ट्ररी आपको क्या बताया है, एक्सपीरियंसेस ये शो करते हैं कि जो प्रूवर है जो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं वो इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंट अटैक्स अपने हेल्थ पर या आर्टिफिशियल डिजीज बना बना के अपनी हेल्थ पर इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं कि कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस उसी के सिमिलर जब उनके पास आता है तो उनकी बॉडी उसे एक्सपेल कर देती है. जो कि एक इन्फ्लुएंस जो उनकी बॉडी से इनिमिकल है, जो एक नेचुरल डिजीज है, जो इस फ्रेम में नहीं आता और डेंजरस है, उसको उसकी बॉडी रिपेल करने लगती है, दूर भगाने लगती है अपने ही आप, क्योंकि उस एक्सपेरिमेंटर ने अपने ऊपर बहुत सारे प्रूविंग्स एंड एक्सपेरिमेंट किए होते हैं एंड बिकम मोर हार्डन टू रेजिस्ट एवरीथिंग ऑफ एन इंजूरियस कैरेक्टर बाय मीन ऑफ दिस मॉडरेट एक्सपेरिमेंट ऑन हिज ओन पर्सन विद मेडिसिन. हिज हेल्थ बिकम मोर अनऑल्टरेबल, ही बिकम्स मोर रॉबस्ट एज ऑल एक्सपीरियंसेस शोज. ज्यादातर एक्सपीरियंसेस ये बताते हैं कि उसकी हेल्थ और अनऑल्टर्ड हो जाती है, वो और रोबस्ट और पक्का हो जाता है. एक्सपीरियंसेस ऐसे बताते हैं कि ये जो मेडिसिन्स है पर्सन के अंदर एक अलग सी जान लेकर आ जाती है और वो बहुत सारे नेचुरल डिजीजेस को अपनी बॉडी से दूर भगा पाते हैं. तो इसलिए ये बिल्कुल भी इमेजिन ना करें कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने से आप जो है आपकी बॉडी को कोई इंजरीज हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा. सो ये भी चीज डॉक्टर हैनिमन हमें क्लियर कर देते हैं कि ड्रग प्रूविंग कराने वाले पर कोई इंजरी नहीं है. तो इसलिए लोग ऐसे ना मिथ क्रिएट करें कि जिसके ऊपर ड्रग प्रूविंग होती है बेचारा वो अलग अलग सिम्टम्स झेलता है, यहाँ वहां दर्द झेलता है, ऐसा कुछ नहीं है. उसको पेन के मोड में ज्यादा देर रहने नहीं दिया जाता. एज सून एज जो सिम्टम है वो नोट डाउन हो जाता है, वो चीज हमें मिल जाती है, पेशेंट को कभी भी सफरिंग में नहीं छोड़ा जाता. सो ये जो बहुत बड़ा मिथ है ये यहाँ डॉक्टर हैनिमन हमें क्लियर कर देते हैं. मूविंग ऑन टू फोर्थ अफोरिज्म विच इज अफोरिज्म नंबर 142. आज मैं आपको पूरे 5 अफोरिज्म कराने वाली हूँ. प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, आई रिक्वेस्ट यू ऑल. अफोरिज्म नंबर 142. But how some symptoms of the simple medicine employed for a curative purpose can be distinguished amongst the symptom of the original malady, even in disease, especially in those of the chronic character that usually remain unaltered, is the subject ascertaining to the highest art of judgment and must be left exclusively to masters in observation. Very important, very very important. अब यहाँ पर ये बात हो रही है कि क्यों ऐसा होता है, बट हाउ सम सिम्टम्स ऑफ द सिंपल मेडिसिन एम्प्लॉयड. सिंपल मेडिसिन के कुछ ऐसे सिम्टम्स जो क्यूरेटिव पर्पस के लिए दिए जाते हैं कैन बी डिस्टिंग्विश अमंग द सिम्टम ऑफ द ओरिजिनल मैलेडी. कैसे उसको ओरिजिनल मैलेडी के सिम्टम्स से आप डिफरेंशिएट करोगे, इवन इन डिजीज, डिजीज में स्पेशली इन दोज ऑफ द क्रॉनिक कैरेक्टर. क्रॉनिक कैरेक्टर में जब जो शरीर है अनऑल्टर्ड रह जाता है, is the subject ascertaining to art, higher art of judgment and must be left exclusively to masters in observation. जितने भी masters हैं observe करने में वो ये चीज बहुत अच्छे से जानते हैं कि natural disease का कैसा symptom होगा, उसको कैसे differentiate किया जाएगा. ये जो simple medicines employ की जा रही है उनके symptoms से. Footnote is symptoms which during the whole course of disease might have been observed only a long time previously or never before, consequently new ones belong to the medicine. Very important. कैसे डिफरेंशिएट करेंगे. सो फॉगिज्म नंबर 142 सेज कि अगर प्रूविंग सिक इंडिविजुअल पे की जाएगी तो नेचुरल डिजीज और मेडिसिन की जो हमने जो ड्रग प्रूविंग की मेडिसिन दी है उसके सिम्टम्स में कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा. तो यहां पर ये बता रहे हैं वैसे ऐसा किया नहीं जाता, प्रूविंग हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे की जाती है, बट अगर ऐसा हो जाए तो आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, मास्टर्स इसे कैसे ऑब्जर्व करते हैं. सिम्टम्स विच ड्यूरिंग द होल कोर्स ऑफ डिजीज, जितने भी पूरे होल कोर्स ऑफ डिजीज की बात करें नेचुरल डिजीज में जो सिम्टम्स आ रहे हैं, माइट हैव बीन ऑब्जर्व ओनली अ लॉन्ग टाइम प्रीवियसली, या तो वो बहुत पहले ऑब्जर्व किए गए होंगे या पहले कभी भी ऑब्जर्व नहीं किए गए होंगे. कॉन्सिक्वेंटली न्यू वंस बीइंग बिलोंग टू द मेडिसिन. जितने भी नए नए होंगे सिम्टम्स वो सारे मेडिसिन से जो सिंपल मेडिसिनल सब्सटेंस दिया जा रहा है उससे बिलोंग करते हैं. सो अफोरिज्म नंबर 143 इज द लास्ट अफोरिज्म फॉर दिस वीडियो. ये आज का 5वां अफोरिज्म है जो कि मटीरिया मेडिका के बारे में बताता है. रियल मटीरिया मेडिका क्या होती है, सभी लोग जानना चाहते होंगे कि ड्रग प्रूविंग के बाद मटीरिया मेडिका बनती है, अब ये रियल मटीरिया मेडिका क्या है. सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज द रियल मटीरिया मेडिका इन होम्योपैथी. इफ वी हैव दस टेस्टेड ऑन द हेल्दी इंडिविजुअल अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ सिंपल मेडिसिन एंड केयरफुली एंड फेथफुली रजिस्टर्ड ऑल दीज मेडिसिन, all these disease elements and symptoms they are capable of developing,
एज आर्टिफिशियल डिजीज प्रोड्यूसर, अगर हमने हेल्दी इंडिविजुअल में अच्छे से टेस्ट कर लिया, कंसिडरेबल नंबर ऑफ सिंपल, अच्छे खासे अमाउंट ऑफ सिंपल मेडिसिन हमने एक हेल्दी इंडिविजुअल में टेस्ट कर लिए, केयरफुली हमने और फेथफुली पूरे ईमानदारी से उन सारे डिजीज एलिमेंट्स को रजिस्टर कर लिया, जितनी भी सिम्टम एक आर्टिफिशियल डिजीज प्रोड्यूसर, जो कि वो ड्रग सब्सटेंस है, वो आर्टिफिशियल डिजीज प्रोड्यूसर है, वो एक हेल्दी ह्यूमन बींग में लेकर आया, वो सभी आपने सिम्टम्स नोट डाउन कर लिए, देन ओनली वी हैव अ ट्रू मटीरिया मेडिका, तभी हमारे पास एक ट्रू मटीरिया मेडिका होती है। ट्रू मटीरिया मेडिका क्या होती है, यहाँ आप अंडरलाइन कर सकते हैं, दिस कैन कम एज अ क्वेश्चन, क्योंकि जब आप मटीरिया मेडिका पहले दिन पढ़ते हैं तो आपको जो डेफिनेशन लिखवाई जाती है, दिस इज द डेफिनेशन, अ ट्रू मटीरिया मेडिका, अ कलेक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ रियल प्योर रिलायबल मोड ऑफ एक्शन, अ ट्रू मटीरिया मेडिका इज अ कलेक्शन ऑफ रियल प्योर रिलायबल मोड ऑफ एक्शन ऑफ सिंपल मेडिसिनल सब्सटेंसेस। सिंपल मेडिसिनल सब्सटेंसेस जो है वो किस तरह से काम करते हैं, एक्ट करते हैं, वो सारे कलेक्शन किस, वो सारे रियल प्योर रिलायबल इफेक्ट्स का जो कलेक्शन है, अ वॉल्यूम ऑफ द बुक ऑफ नेचर, बिल्कुल एक बुक की तरह, वेयर इन इज रिकॉर्डेड अ कंसिडरेबल एरे ऑफ पिक्यूलियर चेंजेस ऑफ द हेयर, जिसमें कि क्या कलेक्ट किया जाता है, बहुत सारे पिक्यूलियर चेंजेस जो हमारे हेल्थ के अंदर आते हैं, एंड सिम्टम्स असर्टेन टू बिलोंग टू ईच ऑफ द पावरफुल मेडिसिन, हर एक पावरफुल मेडिसिन में क्या क्या सिम्टम आता है, जब उनको एक बुक में सारे पिक्यूलियर चेंजेस को नोट कर लिया जाता है, एज दे वर रिवील्ड टू द अटेंशन ऑफ द ऑब्जर्वर, जो कि एज दे वर रिवील्ड टू द अटेंशन ऑफ ऑब्जर्वर, जो कि ऑब्जर्वर ने बहुत अपना अटेंशन दे देकर जो कि रिवील किया, जो भी खुलासे हुए सिम्टम्स के, इन विच द लाइकनेस ऑफ द होम्योपैथिक डिजीज एलिमेंट ऑफ मेनी नेचुरल डिजीजेस टू बी हेयर आफ्टर क्योर्ड बाय देम आर प्रेजेंट, जिसमें कि लाइकनेस है ना, सिमिलर कॉजेस, सिमिलर सिमिलिया सिमिलबस क्यूरांत, सो जो ये लाइक्स के और लाइक वाला जो है, इस फंडामेंटल रूल पर बेस करके जब भी पेशेंट को ट्रीट किया गया और जब उसे कंफर्म कर लिया गया कि हाँ ये इस सिम्टम को प्रूव करती है, ये इस सिम्टम को क्योर करती है, वो सभी चीजें नोट डाउन की गई, विच इन अ वर्ड, जो कि एक शब्द में क्या कहा जाएगा, कंटेन आर्टिफिशियल मॉर्बिड स्टेट दैट फर्निश फॉर द सिमिलर नेचुरल मॉर्बिड स्टेट द ओनली ट्रू होम्योपैथिक, दैट इज टू से स्पेसिफिक थेरेप्यूटिक इंस्ट्रूमेंट्स फॉर इफेक्टिंग देयर सर्टेन एंड परमानेंट क्योर। होम्योपैथी में जो स्पेसिफिक थेरेप्यूटिक इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि परमानेंट क्योर करते हैं, वो थेरेप्यूटिक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट क्या है, आपकी मटीरिया मेडिका। सो ये मटीरिया मेडिका फर्निश कैसे होती है, जब रियल प्योर रिलायबल जितने भी मोड ऑफ एक्शन एक सिंपल मेडिसिनल सब्सटेंस के नोट किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ बुक, जिसमें कि प्रूविंग के सारे सिम्टम्स प्लस उनको चेक किया जाता है कि ये सिम्टम क्योर कर रहा है, उनको फिर जब एक वॉल्यूम ऑफ बुक में कंपाइल कर लिया जाता है, दैट इज योर रियल मटीरिया मेडिका। इसका फुटनोट क्या कहता है, लैटरली इट हैज बीन द हैबिट टू एंट्रस्ट द प्रूविंग ऑफ मेडिसिंस टू बी अननोन पर्सन एट अ डिस्टेंस हु वर पेड फॉर देयर वर्क एंड देयर इन्फॉर्मेशन सो ऑब्टेन वाज प्रिंटेड। पहले क्या होता था, एक हैबिट सी बन गई थी लोगों की कि वो विश्वास करते थे ऐसी मेडिसिंस की प्रूविंग पे जो कि किसी एक दूर बैठे व्यक्ति ने, जो है अननोन व्यक्ति ने प्रूव कर दी, और उसके वर्क के लिए उसे पैसे दिए जाते थे, और इन्फॉर्मेशन जो भी आई उसे प्रिंट आउट कर दिया गया। बट बाय सो डूइंग, इस तरह से करने से जो वर्क था, द वर्क विच इज ऑफ ऑल अदर्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो काम है जो सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है ड्रग प्रूविंग, विच इज टू फॉर्म द बेसिस ऑफ द ट्रू हीलिंग आर्ट, जो हमारी ट्रू हीलिंग आर्ट होम्योपैथी का बेस फॉर्मेशन है, और जिसमें कि सबसे ज्यादा सच्चाई की जरूरत है, ट्रस्टवर्दीनेस की जरूरत है, यहाँ पर उन्हें रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है कहते हुए कि वही सबसे ज्यादा डाउटफुल रिजल्ट और सबसे ज्यादा लॉस ऑफ ऑल वैल्यू लेकर आ जाता है। तो किसी को इस चीज के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, पे किया जा रहा है, कहीं दूर बैठा व्यक्ति उसने कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर लिया, उसी को प्रिंट करा दिया, उसी पे ट्रस्ट करके काम कर रहे हैं, उन्हीं को मान के आप आगे पूरा होम्योपैथी को फॉरवर्ड कर रहे हैं, प्रोसीड कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता था कि सबसे ज्यादा डाउटफुल रिजल्ट आते थे। अगर ऐसा होता है तो ये अनरिलायबल है, बट अब जैसे हमने स्टेप बाय स्टेप ड्रग प्रूविंग की पूरी सीरीज में किया है, वो क्या है, वो रिलायबल मोड ऑफ एक्शन है, इसी तरह से हमें प्रूविंग करनी है। सो दिस इज अ सुपर बोनांजा काइंड ऑफ वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू, आई रियली होप दैट यू एंजॉय, यू कीप ऑन सेइंग की वीडियोज ऑगरॉन की पोस्ट करूं, काफी दिन से पोस्ट नहीं किया था, तो आई कंपनसेटेड इट हियर ऑन द ईव ऑफ न्यू ईयर। एंजॉय योर न्यू ईयर,
Happy New Year again. Stay blessed and do connect it with my family. So these are 5 aphorism. Read it carefully. Read it again and again. अगर कोई भी problem होती है comment section में please आप पूछ सकते हैं. Thank you so much.